मानेसर प्लांट डील केस में सीबीआई की एंटी करप्शन यूनिट ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा के घर सहित 20 जगहों पर छापेमारी की है। इसमें हुड्डा के रोहतक स्थित आवास के साथ ही 3 गुड़गांव, 9 दिल्ली, 3 चंडीगढ़ और 3 पंचकुला के ठिकाने शामिल हैं। इस मामले में हुड्डा के अलावा छतर सिंह, एमएल दयाल और एसपी ढिल्लन के ठिकानों पर भी छापेमारी की गई। पिछले साल इस मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी गई थी। दरअसल कांग्रेस की तत्कालीन हुड्डा सरकार के कार्यकाल के दौरान करीब 900 एकड़ जमीन का अधिग्रहण कर उसे बिल्डर्स के सुपुर्द कर दिया गया था। आरोप है कि सरकार ने इस बेशकीमती जमीन को बिल्डर्स को औने पौने दाम पर बेच दिया था। कटघरे में खड़ी हुड्डा सरकार पर इस अधिग्रहण और इसे बिल्डर्स को बेचने के मामले में जमीन के वास्तविक मालिकों को 1500 करोड़ रुपए का नुकसान पहुंचाने का भी आरोप है। इन्हीं कारणों से बिल्डर्स सीबीआई जांच का विरोध कर रहे थे। इस मामले में खट्टर सरकार की सिफारिश पर ही सीबीआई ने हरियाणा सरकार के अधिकारियों और प्राइवेट बिल्डर्स के खिलाफ जमीन अधिग्रहण में कथित अनियमितता को लेकर मामला दर्ज किया था। हाल ही में हरियाणा सरकार को ढींगरा रिपोर्ट सौंपी गई है और पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खिलाफ कार्रवाई को इसी से जोड़कर देखा जा रहा है। देखते रहिए टीवी लाइव।